नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हरियरपुर ग्राम सभा में। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि गांव के लोग, ज़्यादातर लोग मचान डाल के रहने पे मजबूर हैं। तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि पेड़ में ये मचान बना के रहने पे मजबूर हैं, रातों दिन इसी पे रहते हैं। इनका जीवन कैसा है और क्या कारण है कि इनको मचान पे रहने की ज़रूरत पड़ गई, हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम है सर? मेरा नाम सतेंद्र है और बारिश के टाइम में कीड़ा बिच्छी निकल रहे हैं और क्या नाम है कि बहुत तकलीफ़ हो रहा है। इसकी वजह से ज़्यादा हम लोग मचान पे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। और पक्का मकान नहीं मिला, आवास नहीं मिला? आवास नहीं मिला है सर, और इसके आगे क्या बोलेंगे। तो दोस्तों, इनका कहना है कि इनको आवास नहीं मिला, कीड़ा बिच्छी निकल रहा है इनका कहना है, इसलिए ये ऊपर मचान पे रहते। तमाम गाँव की औरतें हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या है सच्चाई, क्या मामला है। सच्चाई यही है कि हम लोग सारे गांव के आदमी है, सबको आप लोग चढ़ा दिए क्या मचान पे? नहीं, हम लोग भाई दिक्कत है रहने के लिए ना। अच्छा, तब भाई मचान पर है, अब कीड़ा बिच्छी काट देगा, मर जाएगा तो हम लोग को कैसा रोटी रोटी चलेगा? फिर घर भी नहीं है, मतलब पक्का मकान नहीं है? नहीं है जी, नहीं सर, मकान नहीं है। मकान रहता तो हम मचान क्यों डालते सर? मकान नहीं रहता तो हम मचान में क्यों बैठते यहाँ पे? पूरे गाँव के लोग मचान पे है? जी सर, पूरे गाँव के लोग है। तो गाँव में आवास नहीं है? नहीं, आवास कोई की नहीं गाँव में। 20 साल से बता रहे हैं? हाँ, सच्चाई है कि ऐसा है? सच्चाई है भैया, सच्चाई है। आपको आयल तो बड़ा समय भाई लोग, कुछ नहीं 50 साल भाई लोग। हाँ, सही, यहाँ का सब किस्सा बाकी पूरा का एगो रहा ना भैया वृद्धे, वो सब दो चार आदमी कहते हैं ना, नहीं तो फिर ना मिला। अच्छा, मतलब 20 साल पहले मिला था? अच्छा, पहले मिला था, मतलब 20 वर्ष से आपको कोई को आवास नहीं मिला? नहीं, ना मिला, के वो कहना सब गरीब है भैया। तो गांव की स्थिति पहले ऐसा ही रही, कुछ बदलाव भाई जब से आप आए? जे कमाइले भैया तो एगो दूगो बनवा ले, जे ना कमाइले तो वही तो झोपड़ी में है। अच्छा, तो आपके गांव के लोग जो मलिकार कहल जाला घर का, वो लोग मजदूरी वजदूरी करते हैं? मजदूरी कराना लोग। अच्छा, कहीं बाहर में जाए लोग कंपनी ईटा पठिए, कहीं पठिया कहीं माटी मटा गाजीपुर कर। अच्छा, तो यही से खान खर्चा चली? हाँ। तो ये मामला है दोस्तों, गांव के लोग ज्यादातर मचान पे चढ़े हैं। तो जानने की कोशिश किया, इधर से गुजर रहे थे कि मामला क्या है, कि हम सोचे यहाँ की कुछ मदाड़ी उदाड़ी वाले लोग आए कि भीड़ भाड़ लगी, तो पता चला कि चाचा मचान पे हैं और गांव के लोग ज्यादातर लोग ही मचान पे हैं। और सल्टू राम जी एक हैं, वो भी मचान पे चढ़े हुए, उनकी जिद है कि जब तक गांव के लोगों को आवास नहीं मिलेगा तब तक हम उतरेंगे नहीं। उनका नहीं, हम तो कहते कि हमारी मतलब क्यों अपार तो क्यों है ना सरकार, हमारे तो ते लड़का रह तब भी मर गया, वो ये कई बाप ओकर लड़का के लेके जियावत खियावत ओकर शादी ब्याह करने ओकर 5 गो लड़की लड़का बहने, वो दोनों प्राणी 8 दिन के अंदर में मर गया। उन्होंने के लेके हम जियावत खियावत सरकार देख लें हमारी झोपड़ी, किसी ने हमारे कमाए वाला न किसी करे वाला, हम भी सरफ बस। देखिए गांव के लोग काफी भावुक हो जा रहे हैं, अपनी समस्या बताते कमाई वाला की एक रोटी खिया ही लेकिन के अपने चाहे पेट चरी जांगर तो करम ना चली ते छोटे छोटे बच्चा हम का करे लाख बार की करी लड़की बनी जवान बहनी ब्याह शादी करे के है, किसी हाल से हम ब्याह शादी करब? झोपड़ी झपड़ी में लगा के वो गिरत पड़त एक दिन भैया सरकार जाके देखना कुल खोल के बटू गिरत घर अपन जेल के माटी मटकम कह के भैया बहनी कैटी पैटी कह के बनौले रहनी खपरा का दुगो वो गिरत। आज भले ही चाक चौबन व्यवस्था की सरकार दावा कर रही, लेकिन हरियरपुर गांव से ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ऐसे गांव के लोगों का यह आरोप है कि हमें आवास नहीं मिला, जो मूलभूत सुविधा है उससे हम वंचित है। तो लोगों से हमने बातचीत की, जानकारी लेने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।